तो आप में से काफी सारे लोगों के दिमाग में एक चीज जरूर खड़कती होगी कि क्यों अभी तक जॉन सीना ने इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप नहीं जीती। इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है जो कि मैं डैम श्योरली कह सकता हूँ आपको किसी ने नहीं बताया होगा। जानने वाले रेसल गुरु पर तो आप देख रहे हैं रेसल गुरु और मैं वर्मन, चलिए वीडियो में चलते हैं। पहले गाइस जो कि जब WWE बनी थी तब जो कि ये मेन टाइटल थे तो ये बांट दिए गए थे। अब जो कि मेन टाइटल की बात करें तो वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप और इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप जो है वो अलग अलग ब्रांड्स पर जा चुकी थी, यानी कि WWE चैंपियनशिप जो कि रो पर थी उसी के साथ साथ अगर हम बात करें इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप तो वो भी जो रही थी रो पर ही रही थी और स्मैकडाउन लाइव को मिल गई थी इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप। इसके चलते चलते जॉन सीना ने जब वो स्टार्टिंग वाला कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था उसके बाद जॉन सीना ने जो है वो कॉन्ट्रैक्ट था वो डायरेक्टली स्मैकडाउन का ही साइन किया था। पर जॉन सीना का जबकि डेवलपमेंट वाला कॉन्ट्रैक्ट ओवर हुआ था जॉन सीना ने जो है 10 साल की कॉन्ट्रैक्ट WWE के साथ साइन किया था जो कि 2014 में खत्म हुआ था 2004 से लेकर। के चलते चलते WWE के पास जो है काफी सारे ऑप्शंस थे और जब जॉन सीना के पास जबकि इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप जीतने का ऑप्शन फाइनली आया 2012 में तब तक WWE को लगा कि जॉन सीना को बहुत देर हो चुकी है। बट 2014 में जो कि इनसाइडर्स का कहना है WWE ने बनाया था प्लान जॉन सीना को एक बार देने के लिए इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप, बट वो जो प्लान था वो बिल्कुल कर दिया गया था WWE की तरफ से कैंसिल बिकॉज तब के टाइम पर WWE और करना चाहती थी। WWE चाहती थी कि जो कि जॉन सीना है वो पुराने रिकॉर्ड्स तोड़ दें यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप की, जैसे कि उन्होंने पहले भी चैंपियनशिप जीती हुई थी। उसके बाद उन्होंने दो बार यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप जीती जो कि रिप्लेस कर दी गई थी जो कि उन्होंने जीतनी थी दो बार इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप। इस वजह से आज तक कभी भी जॉन सीना ने इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप नहीं जीती और ना ही ये फ्यूचर में जीतने वाले हैं। उसके बाद अगर हम मेन चीज के बारे में बात करें जो कि मोस्ट ऑफ दी लोगों को नहीं पता हो, WWE के एक्चुअली बहुत बड़े प्लान थे जॉन सीना को लेकर, बट मेरे हिसाब से वो प्लान्स बड़े कामयाब नहीं होते बिकॉज WWE जो है जॉन सीना को मिज वाला कैरेक्टर जो है देना चाहती थी। मिज वाला जो कैरेक्टर था वो पहले जॉन सीना का प्लान किया था। जैसे कि उनकी डेब्यू हुई थी डेब्यू के बाद जो कि लोगों का रिस्पॉन्स आया था वो बिल्कुल भी हील वाला नहीं था बेबी फेस वाला था, इस वजह से वो कभी भी नहीं हो पाया। और जो कि असल में WWE को करना था वो जॉन सीना इस टाइम 7-8 बार इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन होते ना कि वर्ल्ड चैंपियन। अगर वो प्लान WWE एग्जीक्यूट करती तो शायद जॉन सीना ने एक या दो बार ही इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप जीती होती और आज जिस हम जॉन सीना को जानते हैं वो जॉन सीना एक्जीक्यूटली WWE कभी करती नहीं। तो बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को देखने के लिए, यहां तक वीडियो देखी तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक मेरे दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दो। आप देख रहे हैं रसल गुरु और मैं हूं अरमन।